नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज हम आपको उन्नाव लोकसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक पक्षों से अवगत कराएंगे। उन्नाव लोकसभा सीट देश में संपन्न हुए पहले आम चुनाव 1952 से ही अस्तित्व में आ गई थी, अर्थात यहां पर पहला आम चुनाव 1952 में संपन्न हुआ। उन्नाव लोकसभा सीट का क्रमांक 33 है, जो कि लखनऊ एवं कानपुर के मध्य में स्थित है तथा लखनऊ से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। गंगा एवं सई नदियों के मध्य विस्तृत यह संसदीय क्षेत्र की पहचान कलम एवं तलवार के धनी क्षेत्रों के रूप में की जाती है। भगवती चरण वर्मा, पंडित प्रताप नारायण मिश्र एवं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ साथ शहीद ए आजम, चंद्रशेखर आजाद, हसरत मोहानी जैसे वीर पुरुष उन्नाव को एक अलग पहचान दिलाते हैं। यहाँ पर स्थित नवाबगंज पश्चिम बिहार पूरे देश में जाना जाता है। उन्नाव लोकसभा क्षेत्र की जो सीमाएं हैं वो मोहनलालगंज, अकबरपुर, फतेहपुर, रायबरेली, मिश्रिक तथा कानपुर लोकसभा क्षेत्रों के साथ लगती हैं। उन्नाव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जो कि इस प्रकार हैं: भगवंत नगर, बांगरमऊ, सफीपुर, मोहान, उन्नाव तथा परवा। यहाँ पर आपको बताते चलें कि ये जो 6 विधानसभा सीटें हैं ये उन्नाव जिले के अंतर्गत आती हैं। आपको ये भी बताते चलें कि उन्नाव जिले के अंतर्गत आने वाली ये 6 विधानसभा सीटें हैं ये उन्नाव जो लोकसभा सीट है उसके अंतर्गत आती हैं। जनसंख्या संबंधी यदि यहाँ के आंकड़ों की बात करें तो कुल जनसंख्या लगभग 21 लाख, ग्रामीण जनसंख्या लगभग 83%, नगरीय जनसंख्या लगभग 17%, कुल मतदाताओं की संख्या यहाँ पर देखिए लगभग 21.5 लाख, अनुसूचित जातियों की संख्या लगभग 30%, मुस्लिम लगभग 12%, साक्षरता लगभग 66%, और लिंगानुपात 907 है। यदि यहाँ बात करें जातिगत समीकरण की तो यहाँ पर जो मतदाताओं की संख्या है जातिगत वो देखते हैं तो यहाँ पर लोहार, कुहार, निषाद, कश्यप तथा मल्ला कुल मिलाकर 5 लाख हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यहाँ पर लगभग 5 लाख, अनुसूचित जातियों की संख्या लगभग 6 लाख, ब्राह्मण लगभग 2 लाख, क्षत्रिय लगभग 1.5 लाख व मुस्लिम यहाँ पर लगभग 1,20,000 है। आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर संपन्न हुए सभी आम चुनावों की। तो 1952 व 1957 में जो संपन्न हुए आम चुनाव थे तो यहाँ पर 2 सीटें हुआ करती थी, यहाँ से 2 कैंडिडेट विजयी हुआ करते थे। 1952 में पहले आम चुनाव में विश्वंभर दयाल व स्वामी रामानंद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विजयी होते हुए लोकसभा पहुंचे। 1957 में पुनः विश्वंभर दयाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एवं गंगा देवी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विजयी हुई। 1960 में हुए उपचुनाव में लीलाधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विजयी हुए। 1962 में व 1967 में संपन्न हुए क्रमशः तीसरे एवं चौथे लोकसभा चुनाव में कृष्णदेव त्रिपाठी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लगातार 2 बार विजयी हुए। 1971 में 5वें लोकसभा चुनाव में जियाउर रहमान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विजयी हुए। 1977 में राघवेंद्र सिंह भारतीय लोकदल से 6ठे लोकसभा चुनाव में विजयी हुए। 1980 व 1984 में 7वें एवं 8वें लोकसभा चुनाव में जियाउर रहमान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लगातार 2 बार विजयी हुए। 1989 में संपन्न हुए 9वें लोकसभा चुनाव में अनवर अहमद जनता दल से विजयी हुए। 1991, 1996, 1998 में क्रमशः 10वें, 11वें एवं 12वें लोकसभा चुनाव में देवी बख्श सिंह यहां पर बीजेपी से लगातार 3 बार विजयी होते हुए इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाई। 1999 में संपन्न हुए 13वें लोकसभा चुनाव में दीपक कुमार यहां पर समाजवादी पार्टी से विजयी हुए। 2004 में संपन्न हुए 14वें लोकसभा चुनाव में ब्रजेश पाठक बीएसपी से विजयी हुए। 2009 में संपन्न हुए 15वें लोकसभा चुनाव में अनु टंडन यहां से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विजयी हुए। 2014 में संपन्न हुए 16वें लोकसभा चुनाव में साक्षी महाराज यहां से बीजेपी से विजयी हुए, जो कि वर्तमान में भी इस सीट से सांसद हैं। आइए बात करते हैं सर्वाधिक बार विजयी होने वाले प्रत्याशियों की। तो यहां पर देवी बख्श सिंह 3 बार विजयी हुए हैं, जियाउर रहमान यहां से 3 बार, विश्वंभर दयाल यहां से 2 बार व कृष्णदेव त्रिपाठी यहां से 2 बार विजयी हुए हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कौन सी पार्टी इस सीट पर सफल रही है। तो 1952 से लेकर अब तक के चुनावों की बात करें तो यहां से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 9 बार, बीजेपी 4 बार, बीएसपी यहां से 1 बार व समाजवादी पार्टी 1 बार विजयी होने में सफल रही है। यदि हम यहां पर बात करें कि एक रोचक आंकड़ा है कि जो उन्नाव लोकसभा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के बाद दूसरा सर्वाधिक मतदाता वाला निर्वाचन क्षेत्र होने के साथ साथ देश का 4था सर्वाधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है। आइए हम लोग बात करते हैं 2014 के परिणामों की। तो बीजेपी से साक्षी महाराज कुल 43% वोट, लगभग 5.25 लाख वोटों के साथ पहले स्थान पर थे। इन्होंने जो है समाजवादी पार्टी के अरुण शंकर शुक्ला को पराजित किया। तीसरे स्थान पर ब्रजेश पाठक बीएसपी से थे। चौथे स्थान पर अनु टंडन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 16.5% वोटों के साथ थे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में क्रमशः 5वें एवं 6ठे स्थान पर अनिल कुमार चौधरी एवं रामेश्वर थे। बात करते 2019 के जो आगामी चुनाव, उसमें बीजेपी से साक्षी महाराज को पुनः प्रत्याशी बनाया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अनु टंडन को बनाया गया, जबकि समाजवादी पार्टी से अरुण शंकर शुक्ला को प्रत्याशी बनाया गया। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।